हाय स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेजियर कर्व या जिसे बेजियर स्प्लाइन कर्व भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट? बेजियर कर्व या आपके सिलेबस में लिखा हुआ है बेजियर स्प्लाइन कर्व। ये जो बेजियर कर्व या बेजियर स्प्लाइन कर्व है स्टूडेंट, आपको जस्ट इसके बारे में समझना है। इससे कभी कभी 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, आइदर बेजियर स्प्लाइन कर्व हो या बी स्प्लाइन कर्व हो। हम लोग बेजियर के बाद बी स्प्लाइन कर्व को देखने जा रहे हैं। तो इससे आपसे क्वेश्चन ना के बराबर ही पूछा जाता है या जस्ट थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ब्रैकेट में जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो बेजियर स्प्लाइन और बी स्प्लाइन के नीचे में लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसका डेरिवेशन। इसलिए तो आखिर बेजियर कर्व या बेजियर स्प्लाइन कर्व होता क्या है? तो बेजियर कर्व, ध्यान दीजिए यहाँ, बेजियर कर्व इज अनदर अप्रोच फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कर्व। बेजियर कर्व जो है वो कर्व को ड्रॉ करने का, कर्व को कंस्ट्रक्ट करने का एक दूसरा अप्रोच है, ठीक है। इट इज अप्रोक्सीमेट स्प्लाइन कर्व। ये क्या है? अप्रोक्सीमेट स्प्लाइन कर्व है। अब अप्रोक्सीमेट स्प्लाइन कर्व क्या होता है, इसका मतलब क्या? हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई कर्व होता है तो वो क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स, आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट, कुछ इस प्रकार से पढ़े थे, ठीक है। ऐसे जब मिला देते थे तो ये क्या हो जाता था? कर्व हो जाता था। अप्रोक्सीमेट स्प्लाइन कर्व क्या कहता है कि अगर हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक, तो जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो आपका कर्व होगा वो सारे पॉइंट्स को मिलते हुए ही जाएगा। कुछ पॉइंट्स ऐसा भी हो सकता है जो कि छूट सकता है, तो उसे बोला जाता है अप्रोक्सीमेट स्प्लाइन कर्व, ठीक है। तो जो आपका बेजियर है या बेजियर स्प्लाइन कर्व, वो क्या है? अप्रोक्सीमेट स्प्लाइन कर्व। इनस्टेड ऑफ एंड पॉइंट्स एंड टेंजेंट्स वी हैव 4 कंट्रोल पॉइंट्स इन द केस ऑफ क्यूबिक बेजियर कर्व। देखिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया स्टूडेंट? क्यूबिक बेजियर कर्व। तो एग्जाम में यदि आपसे बेजियर कर्व पूछा जाए या बेजियर स्प्लाइन कर्व पूछा जाए या आपसे क्यूबिक बेजियर कर्व पूछ दिया जाए, तीनों में आपको सेम चीजों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इसमें एंड्स पॉइंट या टेंजेंट्स, जैसा कि हमने देखा था कर्व में, उसका यूज नहीं किया जाता। इसमें किसका यूज किया जाता है? वी हैव 4 कंट्रोल पॉइंट्स। हर एक कर्व का यहाँ पे क्या होता है? 4 कंट्रोल पॉइंट्स होता है। इस किसके केस में? बेजियर कर्व के केस में। जैसे अगर आप इस ब्लैक वाले को देखें तो ये क्या है? एक कर्व है, और इस कर्व का क्या होगा? टोटल 4 कंट्रोल पॉइंट्स होगा, दैट इज P0, P1, P2 और P3। आप कोई भी कर्व जो कि बेजियर कर्व है, जैसे कि ये क्या है? एक बेजियर कर्व है, तो इसका P0, P1, P2, P3 कहीं भी क्या होगा? इसका टोटल 4 कंट्रोल पॉइंट्स होगा, ठीक है। सो बेजियर स्प्लाइन आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस कैड सिस्टम, कोरेल ड्रॉ पैकेजेज एंड मेनी मोर ग्राफिक पैकेजेज। जो बेजियर स्प्लाइन कर्व है उसका काफी जगहों पे यूज होता है, लाइक कैड सिस्टम में, कोरेल ड्रॉ पैकेजेज, डिफरेंट पैकेजेज जो कि ग्राफिक्स के हैं उनमें यूज होता है। तो ये है स्टूडेंट आपका बेजियर कर्व या बेजियर स्प्लाइन कर्व। जब आपसे पूछा जाए 4 मार्क्स में, तो अगर इवन आप इतना भी लिखते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आप साथ में फॉर्मूले को भी लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला को समझ लेते हैं, थोड़ा टाइम, हालांकि डेरिवेशन नहीं बोला गया है लेकिन फॉर्मूला समझ लेंगे, किस प्रकार से यूज होता है वो समझ लेंगे। तो आप सबसे पहले स्टूडेंट्स इतना नोट कर लीजिए, ओके ओके स्टूडेंट्स। तो आगे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला और इसको समझ लेते हैं कि आखिर बेजियर कर्व क्या है। सो बेजियर कर्व का अगर हम ओवरऑल कर्व का इक्वेशन लिखे स्टूडेंट, तो हमने जब आपको बेसिक्स ऑफ कर्व बताया था तो वहां पे क्यू टी के फॉर्म में हमने क्या किया था? उसे लिखा था। यहाँ पे जो होता है स्टूडेंट वो कुछ इस तरीके से, ये जो है आपका, ये है बेजियर कर्व का फॉर्मूला, ठीक है। इसे आप लोग इस प्रकार से नोट कर लीजिए, अगर आपसे एग्जाम में थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर देना है। मैं आपको समझाता हूँ अभी, ठीक है। और उसके बाद कुछ आपसे छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, हालांकि वो न्यूमेरिकल नहीं रहता है, जस्ट आपको फॉर्मूला को सोल्व करने के लिए कहा जाता है। तो उसे थोड़ा सा समझ लेंगे तो हम लोग को एग्जाम में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सो बेजियर कर्व स्टूडेंट, अगर ओवरऑल कर्व का हम लोग फॉर्मूला लिखे तो क्यू यू इक्वल्स
हो जाता है आपका सिग्मा आई जीरो से लेके एन तक चलेगा, यानी एन क्या होगा आपका, एन होगा कि कितना आपका पॉइंट्स यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने बोला कि अगर फोर कंट्रोल पॉइंट्स यूज कर रहे हैं, हो सकता है मे बी थ्री कंट्रोल पॉइंट्स यूज हो, तो इस पे आपका एन डिपेंड करता है, मीन्स एन क्या है आपका कंट्रोल पॉइंट्स है। देन पी आई इन टू बी आई कॉमा एन यू, अब इसमें पी आई जो है वो क्या है, तो जो पी आई है वो आपका पोजीशन वेक्टर है, क्या है आपका पोजीशन वेक्टर, और जो बी आई एन ये दिख रहा है आपको, इसी को बोला जाता है बार्थ स्टेन फंक्शन या बेजियर फंक्शन, ध्यान देना है। ये जो है बी आई एन या बी आई एन आप यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है बार्न स्टेन फंक्शन या बेजियर फंक्शन, और एग्जाम में आपसे एक बार एमसीक्यू पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज बार्न स्टेन फंक्शन, इस प्रकार से आपको दो तीन ऑप्शन दिए गए थे और एक ऑप्शन था आपका ये, तो इससे आपसे देखिए एमसीक्यू पूछने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वैसे तो थ्योरेटिकली इतना कुछ पूछा नहीं जाएगा, तो एक दो एमसीक्यू हो सकता है मे बी पूछ दिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है। अब आखिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें तो ठीक है पी आई पोजिशन वैक्टर है हमारा, एन हमारा कंट्रोल पॉइंट्स हो जाएगा, जितने कंट्रोल पॉइंट्स होंगे क्या होता है डिग्री हमारा उससे एक कम होता है, हमने आपको बताया था पिछले के वीडियो में कि अगर मैं टोटल फाइव कंट्रोल पॉइंट्स का यूज करूं तो बताइए टोटल कितने डिग्री का हमारा जो है कर्व का इक्वेशन आएगा, फोर डिग्री का इक्वेशन आएगा, है ना, तो जस्ट वही है। और बी आई एन क्या है, ये बार्नस्टेन फंक्शन, और इसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे बार्नस्टेन फंक्शन या बेजियर फंक्शन का फॉर्मूला लिखा हुआ है एन सी आई इंटू यू आई वन माइनस यू टू द पावर एन माइनस आई। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं है। तो यहाँ पे एन सी आई जो आपको दिख रहा है ये क्या है, वॉट इज दिस, सो एन सी आई का फिर अलग से फॉर्मूला है क्या, फैक्टोरियल ऑफ एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल ऑफ आई इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आई, वेयर एन सी आई इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करें, थोड़ा सा इजी वे में बनाए तो आपको समझ में आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं फोर फोर कंट्रोल पॉइंट्स के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि इक्वेशन फोर इक्वेशन किसका इक्वेशन, कर्व का इक्वेशन, इक्वेशन फोर फोर कंट्रोल पॉइंट्स, यानी कि अगर चार कंट्रोल पॉइंट हो हमारा तो इक्वेशन क्या होगा, डिपेंड करता है कंट्रोल पॉइंट्स पे। हमने आपको बताया था ये जो बेजियर कर्व होता है या इसे क्या बोला गया था, बेजियर स्प्लाइन कर्व होता है, ये आपका टेंजेंट्स या एंड पॉइंट्स इस पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपका डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करता है कंट्रोल पॉइंट्स पे कि कितने कंट्रोल पॉइंट्स यूज हो रहे हैं। और हमने आपको बताया था कि फोर टू फाइव को बेस्ट माना जाता है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा आप जाएं तो बिल्कुल आपको स्मूथ कर्व मिलेगा, हमने पिछले वीडियो में देखा था, लेकिन वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। और अगर फोर टू फाइव से अगर आप लेस जाते हैं तो आप लाइन की ओर मूव करते हैं, जैसे अगर मैं सिर्फ दो की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो इक्वेशन अगर हम फोर कंट्रोल पॉइंट्स के लिए, इक्वेशन फॉर फोर कंट्रोल पॉइंट्स ऑफ बेजियर कर्व, ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिएगा, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, तो यहां पे ध्यान दीजिए ये हमारा इक्वेशन है ना, ये हमारा क्या है बेजियर कर्व का इक्वेशन है, तो इसको हम फोर कंट्रोल पॉइंट्स के लिए अगर लिखें तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका q u इज इक्वल्स आई आपका जीरो से लेके एन तक चलेगा, और एन इज व्हाट, एन इज फोर, टोटल कितने कंट्रोल पॉइंट्स का यूज हो रहा है फोर, तो ऑब्वियसली आपको जो डिग्री मिलेगा वो थ्री डिग्री का इक्वेशन मिलेगा, कैसे अभी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर इसे बिना एक्सपैंड किए मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इस प्रकार से लिख दूं, आई इक्वल्स जीरो से फोर तक चलेगा, और ये हो गया आपका पी आई, ज्यों का त्यों मैं यहाँ पे उतार दूं बी आई कॉमा एन और यू, ठीक है। अब इसे फर्दर अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा आपका q u इज इक्वल्स, अब ये क्या होगा i इक्वल्स जीरो से फोर तक चलेगा, है ना, i इक्वल्स जीरो से, वन मिनट, यहां पे i इक्वल्स जीरो से अगर हमारा फोर कंट्रोल पॉइंट है स्टूडेंट तो ये जीरो से थ्री तक चलेगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका i इक्वल्स जीरो से थ्री तक चलेगा, क्यों थ्री तक चलेगा, इसीलिए क्योंकि n जो हमारा होगा स्टूडेंट वो 3 होगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना है आपको। सबसे पहले अगर आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि इक्वेशन फॉर फोर कंट्रोल पॉइंट्स, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है क्या जो n होता है आपका, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हुआ जो आपका n होगा, n माने क्या, n मीन्स डिग्री, जो डिग्री ऑफ इक्वेशन होगी, आप लोग लिख लीजिए डिग्री ऑफ इक्वेशन इज इक्वल्स कितना होता है, कंट्रोल पॉइंट्स माइनस वन, कंट्रोल पॉइंट्स माइनस वन होता है, हमें पता है। तो अगर हम क्या करते हैं, फोर कंट्रोल पॉइंट्स को लेते हैं तो हमारा डिग्री क्या हो जाता है, थ्री हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम फोर कंट्रोल पॉइंट्स को लेंगे तो फोर माइनस वन डेट इज डिग्री हमारा थ्री हो जाएगा, तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या होगा, थ्री होगा, ठीक है। सो जीरो से लेकर ये थ्री तक चलेगा। तो चलिए अब इसे आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका पी आई, यानी कि पहले आई का वैल्यू जीरो होगा, फिर सेकेंड टाइम्स आई का वैल्यू वन, देन आई का वैल्यू टू, देन आई का वैल्यू थ्री। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा पी जीरो इंटू बी जीरो कॉमा, और एन का वैल्यू कितना है, थ्री, जीरो कॉमा थ्री यू, ठीक है, प्लस सिग्मा है, प्लस होगा। देन अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो पी वन इंटू बी वन कॉमा थ्री यू, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, सो पी टू इंटू और क्या है बी आई एन, तो आई का वैल्यू अभी टू है, तो बी टू और एन क्या है, एन आपका थ्री है, टू थ्री यू प्लस, अब आपने क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू थ्री हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी थ्री इंटू बी थ्री कॉमा थ्री यू, ये हो गया स्टूडेंट। ये किसके लिए इक्वेशन हुआ, ये हुआ आपका इक्वेशन फॉर फोर कंट्रोल पॉइंट्स। लेकिन अगर हम चाहें तो इसे हम और फर्दर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और इसे थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हमें पता है हमें इसके कैलकुलेशन के लिए वहां पे दिया गया है इक्वेशन, तो हम बी जीरो थ्री यू बी वन थ्री यू बी टू थ्री यू और बी थ्री थ्री यू को सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर हम सॉल्व करें इसे तो यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, इसे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, कि अगर हमारा कंट्रोल पॉइंट्स फोर होता है तो डिग्री क्या हो जाता है, वन कम हो जाता है, या अगर थ्री डिग्री का इक्वेशन हो तो ऑब्वियसली वहां पे फोर कंट्रोल पॉइंट्स यूज होंगे। अगर कोई इक्वेशन आपका 17 डिग्री का हो तो उसमें टोटल कंट्रोल पॉइंट्स कितने यूज हो रहे होंगे, टोटल उसमें 18 कंट्रोल पॉइंट्स यूज हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसे मैं रिमूव करता हूं और यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग बी जीरो थ्री यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्व करूं बी जीरो कॉमा थ्री यू, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एन सी आई, और एन सी आई का वैल्यू ये है, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ एन, एंड व्हाट इज फैक्टर एन, एन इज थ्री, सो फैक्टोरियल ऑफ थ्री डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ आई इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आई, व्हाट इज आई, आई इज जीरो, फैक्टोरियल ऑफ जीरो इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आई डेट इज थ्री माइनस जीरो, ओके। और इसे इस तरह से लिखे तो ज्यादा समझ में आएगा मैथमेटिकली, है ना। चलिए उसके बाद क्या है, एन सी आई का हमने यहां से सीधा डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, क्यों उतना बंद करना, डायरेक्ट हमने एन सी आई को लिख दिया, इंटू क्या है यू आई, तो इंटू यहां पर हम क्या लिखेंगे, यू आई, आई इज वॉट, I is what? I is zero. Okay, I is zero. So U zero. तो स्टूडेंट यहां पे आपका जो होगा यू आई नहीं, यू का पावर आई होगा, वही मैं सोचू ये कैंसल होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा आपका यू का पावर जीरो, ठीक है, एंड देन इंटू वन माइनस यू, दैट इज वन माइनस, और क्या है यू, वन माइनस यू और एन माइनस आई, एन इज वॉट, एन अगर आप लोग देखे स्टूडेंट तो एन यहाँ पे ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है बी जीरो थ्री, डेट इज वॉट बी आई कॉमा एन, यही लिखा हुआ है ना यहाँ पे। अगर आप बार स्ट्रेन फंक्शन या बेजियर फंक्शन को देखें तो ये बी आई एन है, डेट इज ये जीरो आपका आई है और थ्री आपका क्या है एन है। तो अगर इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करें और हम अपना बार्नस्टेन फंक्शन या बेजियर फंक्शन को कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, एन सी आई, एन सी आई को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, इंटू यू का पावर जीरो हो गया, इंटू वन माइनस यू और आपका यहाँ पे क्या है थ्री एन माइनस आई, तो ये क्या हो जाएगा थ्री माइनस जीरो, डेट इज थ्री माइनस जीरो, ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, अगर इसे फर्दर आप लोग सॉल्व करें तो बी जीरो कॉमा थ्री यू
क्या हो जाएगा आपका, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 × 2 होगा, दैट इज 6 हो जाएगा ये। तो इसे हम काट सकते हैं सीधा, ये 3 − 0 का फैक्टोरियल क्या होगा ये बताइए, 3 का ही फैक्टोरियल होगा, तो इसे हम 3 का फैक्टोरियल लिखते हैं। तो ये 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल आपका खत्म हो गया। 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, 0 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, 1/1 ये 1 हो जाएगा। तो 1 × u⁻⁰ ये भी 1 हो जाएगा। किसी भी का भी पावर अगर 0 होता है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसे हम लिखते ही नहीं है, ये दोनों 1 हो गया। 1 − u 3 − 0 ये 3 हो गया। तो 1 − u और पावर 3 ये आपका क्या आया, ये आया फर्स्ट, दैट इज B03 बार द स्ट्रेन आपका फंक्शन आया कब, जब आपका आई क्या था, 0 था और एन आपका 3, यानी कि 4 कंट्रोल पॉइंट्स के लिए हम लोग इसे निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से हम बताइए, जब इसे निकाले हैं तो आप B13U और B23U और B33U को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग फर्दर उसे निकालते हैं, यहाँ हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो इतना पहले आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे हम लोग देखते हैं, हमने B03U निकाल लिया, अब हम लोग निकालेंगे B13U और डायरेक्ट इसे रिमूव करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे निकालेंगे। तो ये आ गया आपका फर्स्ट, अगर सेकंड हम निकालें B13U 1, 3 एंड दिस इज योर U, सो व्हाट वी विल गेट इज, यहाँ पे आपका ये हो गया स्टूडेंट I और ये हो गया आपका N। तो अगर आप देखें NCI पहले हमें निकालना है, मीन्स फैक्टोरियल ऑफ N फैक्टोरियल ऑफ 3, दैट इज 3 × 3 मैं यहाँ सीधा लिख दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ आई इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आई। सो फैक्टोरियल ऑफ आई, आई इज व्हाट, 1, सो फैक्टोरियल ऑफ आई इज 1, ठीक है। नाउ फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आई, 3 − 1 दैट इज 2 एंड फैक्टोरियल ऑफ 2 इज ऑल्सो 2, सो इट विल बिकम फैक्टोरियल ऑफ 3 = 6, 2/3 = 6, ये हो गया आपका 3 इंटू यू का पावर आई हो गया। तो यू टू द पावर आई, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, u टू द पावर i इज व्हाट, i इज 1, u टू द पावर 1 दैट इज u इनटू 1 − u, सो 1 − u टू द पावर n माइनस i, n इज व्हाट 3, 3 − i दैट इज 3 − 1 इज 2, सो व्हाट वी विल गेट इज 3u 1 − u² ओके। ये हो गया आपका B13, इसे नोट कीजिए आप लोग, नोट कर लिए, चलिए इसे रिमूव कर दें, या 1 मिनट कहां पे, इधर कहीं कर लिया जाए ना शॉर्ट में, जस्ट हम लोग को वैल्यू तो निकालने का जरूरत है। B13 हो गया है, B23 निकालना है। तो अगर हम लिखे B2, 3 u, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा NCI, NCI means क्या, फैक्टोरियल ऑफ n, 2 इज योर i एंड n इज योर 3 दिस टाइम, सो फैक्टोरियल NCI इज व्हाट, फैक्टोरियल ऑफ n मींस फैक्टोरियल ऑफ 3 एंड फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ i इनटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस i, i इज व्हाट 2, सो फैक्टोरियल ऑफ 2 इज व्हाट, 2 × 1 दैट इज 2 एंड इनटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस i, n इज 3 एंड i इज 2, सो 3 − 2 दैट इज 1, ओके। फैक्टोरियल ऑफ n माइनस i मींस फैक्टोरियल ऑफ 3 − 2 एंड 3 − 2 इज 1, सो फैक्टोरियल ऑफ 1 इज आल्सो 1, सो 2, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। उसके बाद इनटू u टू द पावर i, सो u टू द पावर i इज व्हाट, 2, सो u टू द पावर i इनटू 1 − u 1 − u टू द पावर n माइनस i, n इज व्हाट 3 एंड i इज 2, सो 3 − 2 दैट इज 1, सो 1 − u, ओके। सो व्हाट वी विल गेट इज, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा क्या, 3 B2, 3 u इज इक्वल्स 3 u² 1 − u, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट निकल गया, सेकंड निकल गया, थर्ड निकल गया, इसी प्रकार से हम फोर्थ निकाल लेते हैं। फोर्थ हमारा क्या है, B33। तो अगर हम स्टूडेंट B33 निकालने जाए, B33U, ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, NCI दैट इज फैक्टोरियल ऑफ n एंड हेयर i इज 3 एंड n इज ऑल्सो 3, सो फैक्टोरियल ऑफ n दैट इज फैक्टोरियल ऑफ 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ i एंड फैक्टोरियल ऑफ i इज 3, सो फैक्टोरियल ऑफ 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 इनटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस i, 3 − 3 इज 0 एंड फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1, सो आई एम नॉट राइटिंग इट, ये दोनों कट गया आपका, तो 1 हो गया, इनटू u टू द पावर i, सो इनटू u टू द पावर एंड i इज व्हाट 3 दिस टाइम, सो u टू द पावर 3 एंड इनटू 1 − u इनटू द पावर i, सो 1 − u एंड इफ यू विल डू
n minus i, that is 3 minus 3, it will get 1 minus u to the power 0. And if अगर किसी का पावर जीरो होता है तो वो क्या हो जाता है 1. सो इसे मैं अगर ना लिखूं तो ये सीधा आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा आपका स्टूडेंट B33 equals B3 comma 3 u is u to the power 3. तो अगर इसे मैं ओवरऑल ये 3 है, आप इसे पहले इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स. ये देखिए, ये हमने निकाला है B03u, ये हो गया आपका B13u, ये हो गया B23u और ये आपका हो गया B33u. ठीक है, 1, 2, 3 and 4. ओके, तो चारों कंट्रोल पॉइंट्स के लिए स्टूडेंट हमने यहाँ पे अपना इक्वेशन, हमने अपना बार्नस्टेन फंक्शन को निकाल लिया है. अभी हमने इक्वेशन सॉल्व नहीं किया, जस्ट बार्नस्टेन फंक्शन को निकाला. तो इसे अब हम रिमूव करेंगे यहां से यहां तक. आई होप आपने इसे नोट कर लिया हो. चलिए, कर लिया आप लोगों ने. ठीक है, तो इसको, इसके वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि हम लोग भूले नहीं. तो क्या क्या आया है, अगर हम बात करें बी, अगर हम बात करें बी 03u की 0,3, या इतना भी करने का क्या जरूरत है, सीधा यहां पे लिखते हैं. चलिए यहां पे देखिए ध्यान से, P0 इंटू B03u, इसका वैल्यू क्या आया है, B03u का वैल्यू आया 1 माइनस u टू द पावर 3. 1 माइनस u टू द पावर 3, कहीं कोई समस्या? कोई समस्या नहीं. प्लस P1, ओके, प्लस P1, इसे आप दे भी सकते, नहीं दीजिएगा फिर भी N2 है. B13U, तो B13U क्या आया, ये देखिए, ये आपका आया. सो 3U 1 माइनस U स्क्वायर, सही है. प्लस P2, B23U क्या आया है, यहां देखिए B23U आपका आया है क्या, 3U स्क्वायर 1 माइनस U. तो ये हो जाएगा आपका 3U स्क्वायर 1 माइनस U. ठीक है, प्लस P3, और B33U क्या आया, ये देखिए B33U आया है आपका U3. तो ये हो गया स्टूडेंट आपका U3. ठीक है, तो ये आया आपका QU आया है. ये QU का मतलब क्या, ये आया है आपका ओवरऑल इक्वेशन. ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए, ये जो आपका आया स्टूडेंट नीचे वाला, ये आया आपका ओवरऑल इक्वेशन फॉर 4 कंट्रोल पॉइंट्स इन बेजियर कर्व. ठीक है, आगे बात समझ में. चलिए, तो इसे यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम इसको एक्स वाई और कोऑर्डिनेट के लिए, हम लोग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के लिए इसे लिखते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट नोट कर लिया होगा आप लोगों ने. तो इसको स्टूडेंट हम, हमें क्या निकालना था, इक्वेशन फॉर 4 कंट्रोल पॉइंट्स. ये आपका निकला ओवरऑल फॉर द कर्व. तो कर्व के अगर हम एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के लिए इसे अगर हम निकालें तो वो क्या हो जाएगा, जस्ट इस पे आपको क्या कर देना है, इस पी जीरो की जगह उसे लिख देना है. तो स्टूडेंट अगर आप इस क्यू जीरो की, क्यू यू की जगह स्टूडेंट आप क्या लिखें, आप अपने एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा बताइए. तो यहां पे आपको लिखना है एक्स यू, तो यहां पे लिखते हैं हम. ठीक है, ये आपका क्यू यू है, तो यहां पे क्या हो जाएगा एक्स यू. तो एक्स यू इक्वल्स क्या हो जाएगा, देखिए जस्ट यहां पे आपको क्या करना है, पी की जगह एक्स कोऑर्डिनेट अब आ गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हर एक पी की जगह एक्स हो जाएगा. सो एक्स जीरो 1 माइनस u³ प्लस एक्स वन है ना 3u1 माइनस u² 3u1 माइनस u² प्लस एक्स टू 3u² 3u² 1 माइनस u प्लस यहां देखिए x3u³ इसी प्रकार से स्टूडेंट आप लोग yu के लिए और zu के लिए लिख सकते हैं. लिख सकते हैं या नहीं, चलिए मैं बता दे रहा हूं. ठीक है, एक मिनट तो लगेगा. जस्ट इसे आपको क्या कर देना है, y0 1 माइनस यू क्यूब प्लस y1 है ना, ये हो जाएगा आपका 3u 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस y2 3u² 1 माइनस यू. ठीक है, और ये हो गया आपका प्लस y3u³. इसी प्रकार से आप लोग z के लिए लिख सकते हैं क्या, z0 1 माइनस यू क्यूब प्लस z1 3u और 1 माइनस यू स्क्वायर प्लस z2 3u² 1 माइनस यू.
प्लस जेड थ्री यू क्यूब। तो ये हो गया स्टूडेंट फाइनली आपका, ये फाइनली आपका हुआ x के लिए, y के लिए और z के लिए इक्वेशन बेजियर कर्व, है ना। तो ये फाइनली आपको लिखना क्या है, इक्वेशन ऑफ बेजियर कर्व फॉर फोर कंट्रोल पॉइंट्स। हमने क्या किया, हमने फोर कंट्रोल पॉइंट्स, हमने कहा कि हमारे कर्व में टोटल फोर कंट्रोल पॉइंट्स है, उसके लिए जो आपका एक्स वाई जेड का बेजियर कर्व में जो या बेजियर स्प्लाइन कर्व में जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। तो स्टूडेंट ये हुआ आपका, अगर आप इतना 6 मार्क्स में लिख देते हैं, इतना बता देते हैं जितना अभी तक मैंने बताया टोटल बेजियर कर्व में, तो फुल्ली आपको 6 में 6 मार्क्स कोई नहीं काटेगा, ठीक है। और इवन अगर आपसे 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो इतना आपको इक्वेशन लिखने की, आपको जस्ट क्या करना है ये बता देना है, फिर आपको बार्नस्टेन फंक्शन किस प्रकार से निकलता है वो बता देना है, और एनसीआई कैसे निकलता है वो बता देना है। जस्ट एग्जाम्पल आपको ये तब देना है जब आपसे 6 मार्क्स में पूछा जाए, या 4 मार्क्स में अगर आपके पास समय हो तो, ठीक है। तो चलिए हमने फोर कंट्रोल पॉइंट्स के लिए निकाल दिया। अब आपका एक टास्क है, टास्क है क्या कि आप यहाँ पे क्या करें, फोर की जगह थ्री कंट्रोल पॉइंट्स को सॉल्व करें। थ्री कंट्रोल पॉइंट्स का निकालिए, तो जब थ्री कंट्रोल पॉइंट्स का निकालिएगा तो आपका डिग्री क्या आएगा स्टूडेंट, डिग्री टू आएगा, है ना। आई जीरो से लेकर के कहां तक चलेगा, टू तक चलेगा, एक बार जीरो के लिए, एक बार वन के लिए, एक बार टू के लिए, तो आप लोग निकाल सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। तो आई होप आपको स्टूडेंट बेजियर कर्व या बेजियर स्प्लाइन कर्व इजीली समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट अपना बी स्प्लाइन कर्व, उसके बाद आपका कॉनिक सेंट कर्व्स का ये जो यूनिट नंबर 4 है वो फिनिश हो जाएगा, देन यूनिट नंबर 5 की ओर हम लोग मूव करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसे नोट कर लीजिए।